अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब सोलर सिस्टम पर भी टैक्स लगने जा रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने बताया नहीं है कि टैक्स सिर्फ इंडस्ट्री पे लगेगा या घरेलू सालफीन पे भी लगेगा या छोटे ताजिरों पे भी लगेगा। कोई इस चीज़ को क्लियर नहीं किया। लेकिन सवाल ये होता है कि ये टैक्स क्यों लग रहा है। हुकूमत कहती है कि जो इंडस्ट्रीज़ है, जो सनतें हैं, बड़े बड़े जो सनतकार हैं, वो लोग अपनी जो फैक्ट्रीज़ को है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। और सोलर पे जब वो कन्वर्ट कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो लेस्को या वापडा, जिससे भी बिजली ले रहे हैं, जिस भी शहर में है वो बिजली कम ख़रीद रहे हैं। अब जो वो बिजली ख़रीदते थे उस पैसे में से गवर्नमेंट लोकल पब्लिक को, आम आवाम को, गरीब आदमी को सब्सिडी देती थी। लेकिन सब्सिडी कब दे रहे थे आप और कितनी दे रहे थे, ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गवर्नमेंट ने। क्यों? एक अगर आप घरेलू किसी का भी बिल ले लेना, उसके अंदर 1700 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। फिर आए दिन आप बिजली महंगी करते हैं और दूसरी चीज़ आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल देते हैं। तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही थी तो ये गवर्नमेंट का काम है कि आवाम के वो जो खसारा सब्सिडी में हो रहा है अब वो उसको पूरा करे। और दूसरी चीज़, बिजली महंगी क्यों की आपने? अगर आपको ये शिकवा है कि लोग सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं, आप बिजली महंगी ना करते, आप बिजली की जो है कमी वो पूरी करते, बिजली के रेट को मेंटेन रखते, बिजली की कीमतें ना बढ़ाते, तो जो इंडस्ट्री है वो सोलर के ऊपर ना जाती। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सोलर पर जाने से इंडस्ट्री के गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ा? हकीकत में मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो सनतकार हैं, उन्होंने अपने अपने पावर प्लांट्स लगाए हुए, वो अपनी बिजली जनरेट कर रहे हैं। अब ख्वाह वो कोयले से करें, कार्बन से करें, या अब सोलर से करें, उससे गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि जी ये सोलर पे ऊपर टैक्स लगाना ज़रूरी है, तो क्या आप ये बताएं, आपने कभी इंडस्ट्री को किसी किस्म का रिलीफ दिया? आपने ताजिर को किसी किस्म का रिलीफ दिया? आपने आम दुकानदार को, छोटे जो गरीब नौकरी पेशा लोग हैं, उनको कभी किसी किस्म का रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने? कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। पाकिस्तान इतने बुरे माजी में हालात से गुजरा है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की 2008 में हुकूमत आई थी तो लोड शेडिंग का और भत्ता माफिया का ये हाल था कि बहुत सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान से शिफ्ट करके बांग्लादेश और दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो गई थी। क्यों? वहाँ पे बिजली सस्ती थी, वहाँ पे टैक्सेस कम थे। चलें टैक्सेस की बात बाद में करते हैं, पहले बिजली की कीमत की बात करते हैं। पाकिस्तान में कीमत देखी जाए बिजली की और बांग्लादेश जैसे मुल्क में देखी जाए जिसे डिफ़ॉल्ट होने के करीब आया था, श्रीलंका में बिजली की कीमत देखी जाए और हमारे मुल्क में देखी जाए, तो बात यह है कि ये अवामी हुकूमत तो नहीं आई, ये तो कह लें कि कोई और ही हुकूमत आई जिस जो वादा कुछ और था और कारकर्दगी में कुछ और हो रहा है। और दूसरी तरफ आप कर्ज़ लिए जा रहे हैं हर मुल्क से, आप IMF से कर्ज़ ले रहे हैं, आप कहते हैं बैनुल अक्वामी आपके पास जो है ना फंडिंग आ रही है, लेकिन फिर ये टैक्सेस की भरमार क्यों है? आज तक ये समझ नहीं आई थी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्यों लगती है गुज़िश्ता बिलों के ऊपर, जो बिजली के बिल आवाम पे कर चुकी है उसके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कैसे डाल दी जाती है, ये चीज़ समझ नहीं आई थी। दूसरी चीज़ ये आ गई अब मज़ीद कि सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं, और सोलर जो इम्पोर्ट हो रही हैं प्लेट्स या सोलर सिस्टम, सोलर की एक्सेसरीज, जो इन्वर्टर वगैरह इम्पोर्ट हो रहे हैं, सबके ऊपर तो ऑलरेडी टैक्सेस हैं और बड़े हैवी टैक्सेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट का तो ये हाल है कि आवाम को वो कहते हैं कि हमने मार देना है टैक्सेस से। कैसे मार देना है? कि अगर बिलफर्स किसी एक घर में 2 मीटर लगे हुए हैं ना, वो आधा महीना 1 मीटर चलाता, आधा महीना 1 मीटर चलाता, उसके ऊपर उसे GST भी देना पड़ता है, उसे इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, उसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी देनी पड़ती है, और 1700 तरह के टैक्स हैं। उसके अलावा सोने पे सुहागा ये है कि टेलीविज़न फीस का टैक्स तक गवर्नमेंट ले रही है। एक घर में अगर 2 मीटर लगे हुए हैं, 3 मीटर लगे हुए हैं, उन तीनों बिलों में, उन दोनों बिलों में जो जो मीटरों का बिल है, सब में जो है TV टैक्स लग के आ रहा, वो किस चक्कर में? देखा जाए वो रकम कुछ भी नहीं है, 35-30-35 रुपए, लेकिन जब वो कलेक्शन में देखी जाए तो वो करोड़ों अरबों रुपया बन जाता। इसका जवाब देनी है गवर्नमेंट आवाम को। क्यों? उनकी मनमानी है, उनका जगह टैक्स है ये। और कमाल की चीज़ देखें कि गवर्नमेंट अभी तक खुल के नहीं बता रही कि वो सिर्फ इंडस्ट्री पे टैक्स लगाएगी, बड़ी इंडस्ट्री पे, छोटी इंडस्ट्री पे, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री पे लगाएगी, लोकल ताजिर पे लगाएगी, या आम आवाम पे लगाएगी। अभी तक जो पहले आया जी टैक्स लगा रहे हैं, फिर तरदीद आ गई कि जी 12 KV से ऊपर जिस जिसका सोलर सिस्टम होगा या फिर बड़ी सनतें होंगी उनके ऊपर टैक्स लगेगा। दरअसल ये सोचा छोड़ने की वजह पता क्या थी? वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने टैक्स का सोचा इसलिए छोड़ दिया पहले
जो शोर मचना मीडिया के ऊपर पहले मच जाए, जो वाम ने बिलकना वो पहले बिलक ले, बाद में क्या है? और अब क्या उस पर एक बहाना बनाया जा रहा है कि जी ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ये पैसे वाले हैं ना, ये इनका बोझ जो है गरीब आदमी पे पड़ रहा। अरे भाई कैसे पड़ रहा? वो लोग तो पहले ही अपने पावर प्लांट्स के ऊपर अपनी बिजली जनरेट कर रहे थे, अब उनके पास एक फ्री का सोर्स मिला के वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेन करें और जो है सोलर सिस्टम चलाई जाए, तो आपने उसके ऊपर भी टैक्सेस का। पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं कि जी हमने बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर सिर्फ टैक्स लगाया है, तो उसका इम्पैक्ट छोटे से छोटे दुकानदार और गरीब आदमी पर भी आएगा, हत्ता कि एक छोटे से 2 मरले के मकान में रखने वाले रहने वाले शख्स के ऊपर भी आएगा। उसकी वजह क्या है कि उसका इम्पैक्ट तो जाहिर बात है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो उसने किससे लेना? उसने आवाम से टैक्स लेना है, उसका जो आगे क्लाइंट है उसने उससे टैक्स लेना है, और वो इस तरह चेन चलती चलती, तो आपकी इन्फ्लेशन तो कभी भी रेट जो है वो कम हो नहीं सकता, जिसका आप दावा करते हैं कि 25% 25% पे आ गया और अगले साल तक वो 15% पे आ जाएगा, तो ये तो नामुमकिन सी बात है कि वो फिर आपके कागज़ों में जब बताने की हद तक आएगा लेकिन हकीकत में नहीं आएगा। आवाम खाने से परेशान है, आवाम बिजली के बिलों से परेशान है, गैस के बिलों से परेशान है, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा आए दिन कोई ना कोई नई जो है ना तोहफा सुबह उठने पे मिलता है कि ये आवाम को अब ये वाला टैक्स भी देना, आवाम को अब ये वाला टैक्स भी देना। क्या किसी को, सियासतदान को, किसी पॉलिटिशियन को फ़र्क पड़ता है इन टैक्सेस से? हाँ पड़ता है, सिर्फ बोलने की हद तक, सिर्फ टॉक शोज में आके बयान देने की हद तक उन्हें फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? उन्हें पता, उन्होंने आम के जेबों से निकाल लेना है, ये डाका डाल के निकाल लेना है, ये चोरी नहीं है, ये डाका डाल के वो लोग जैसे ऐसा दान जो है ना हमारे वो पैसा निकाल लेंगे। और दूसरी चीज़, आपने कहते हैं जी पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी आ रही है, कर्ज लेने आप चले गए फिर भी आपकी इकॉनमी मजबूत हो रही है, हम फिर भी IMF से कर्ज लेंगे। PIA है वो हमसे कंट्रोल नहीं हुआ आज तक, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है उसकी हम निजकारी कर रहे हैं और उसको जो है जी हम बेच देंगे, कुछ 40-50%, 40% गालबन शेयर जो है गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, बाकी वो कहते हैं जी हम उसकी निजकारी कर देंगे। ये आपके हालात हैं कि आपसे एक एयरलाइन, ये हो नहीं सकता कि PIA लॉस में जा रही हो, पूरा प्लान है ये, एक पूरी चेन है जो PIA को लूट के खा रही है और उसे खसारे में भेज रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ कार्रवाई क्या होगी कि अब हम अपने एयरपोर्ट्स भी बेच रहे हैं, हम अपने एयरपोर्ट्स भी गिरवी रख रहे हैं मुख्तलिफ गैर मुल्की जो कंपनीज़ हैं कि जी वो सरमायाकारी करने आ रही है, ये सरमायाकारी के नाम के ऊपर हमने अपने मुल्क की हर एक एक चीज़ को जो है ऐसी गिरवी रख देना। क्यों? हमारा तो जाना कुछ नहीं, हमने लंदन चले जाना, हमने UK चले जाना, हमने जद्दा चले जाना है, तो हमें तो कोई परवाह नहीं है उसकी, जो मरना वो ये हम जैसे गरीब लोगों ने मरना, तो सियासतदान को तो हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर ये किस्सा मुख्तसर इतना है कि अवाम का भला गवर्नमेंट नहीं चाहती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए जो है हुकूमत में, वो सिर्फ दावे करके आती है लेकिन रिजल्ट आउटपुट ज़ीरो होता। अब होना ये है कि देखते हैं कि ये क्या करते हैं, इन टैक्सेस को किस तरह से लागू करते हैं आवाम के ऊपर, जो ये सोलर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, और इसमें क्या वाकई ही गवर्नमेंट जो कह रही है कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाते हैं, या देखते हैं कि उसको गरीब आदमी के ऊपर या छोटे दरमियाने तबके के ऊपर भी या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं। बहरहाल आप जिस पे भी टैक्स लगाएंगे उसका इम्पैक्ट गरीब आदमी के ऊपर आएगा, गरीब आदमी पहले से परेशान है और वो रोज़ दुहाइयाँ देता है कोई ना कोई महंगाई की, जो उसके ऊपर बम फोड़ा जाता है किसी किस्म का, तो वो बददुआ ही देता, आपको दुआ कोई नहीं देता। तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ आवाम की बेहतरी के लिए सोचें, ना कि सिर्फ बातों की हद तक बल्कि कारकर्दगी में भी कुछ बेहतरी दिखाएँ और महंगाई के ऊपर काम करें, बजाय इसके कि IMF से कर्ज लेने के बाद उसको प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाए कि जी अब हमने ये प्रोजेक्ट बना दिया, अब हमने ये प्रोजेक्ट बना दिया। आवाम को प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आवाम को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आवाम को रिलीफ की ज़रूरत है, आवाम को अपनी ज़िंदगी में आसानी चाहिए। बहरहाल देखते हैं जी अब कि क्या करती है गवर्नमेंट आवाम के लिए और आवाम को किस तरह से रिलीफ देती है। ज़ाहिर तो रिलीफ नहीं नज़र आ रहा कि जल्द साल या 2 साल का जो प्लान इनका है ना, जो चीज़ें इनके डिसीजंस नज़र आ रहे हैं, जो इनकी पॉलिसीज नज़र आ रही हैं, उसमें कई आवाम को रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। तो बहरहाल वो जैसे वो मूवी का डायलॉग है कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो हमारा सवाल हुकूमत से कि भाई आवाम के साथ करना क्या चाहते हो, सिर्फ इतना सा बता दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।